सिर्फ 10 दिन की छुट्टी वेकेशन दे, बाकी वेकेशन बैचेस चालू। आत्माराम हाँ, मैं आपको डेट और टाइम मैसेज कर दूंगा, है ना? ओके ओके, थैंक यू। ये यार पिडू, फोन तो लगा आया तू। अरे वो वेकेशन बैचेस के लिए इंक्वायरी आ रही है ना, तो उसी के फोन पे। अरे अब्दुल, तुमको मालूम है ना, आज का जोड़ा जेड अराल की तरफ से। मेरी तरफ से क्यों भाई? कि तुम बच गए ना। बच गया किससे? रत्नावली के रत्न से। अरे भाई, रत्नावली ने तो खुद ने बोला ना कि उसके सारे रत्न झूठे थे, तो फिर बचने का सवाल ही नहीं आता। सही बात है जेठालाल, क्या बचने का सवाल नहीं आता, वो तो दया भाभी ने तुमको बचा लिया। दया भाभी अगर जो सपूत नहीं देती तो तुम तो मस्त फंस गए थे। अय्यर भाई, आपसे क्षमा चाहता हूँ, किंतु ये सपूत नहीं है, सबूत है, सबूत। हाँ, वैसे मेहता साहब, देखा जाए तो सपूत और सबूत दोनों दया ने ही मुझे दिए। सपूत मतलब बेटा। ओके ओके। हाँ बोल बागा। सेठ जी, कल सुबह आप दुकान आने वाले हैं ना? ए भाई, ये कैसा सवाल हुआ? दुकान तो मैं रोज आता ही हूँ ना। हाँ आते हैं, लेकिन थोड़ा लेट आते हैं ना। सेठ जी, मैं ये कह रहा था कि मैं कल दुकान थोड़ा लेट आने वाला हूँ, और नट्टू काका और मगन गोडाउन में बिजी रहेंगे, तो बाहर दुकान पे बैठने के लिए कोई चाहिए ना। तो क्यों भाई, तो क्यों लेट आने वाला है? भावरी के साथ घूमने जाने वाला है? नहीं नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है, कल बावरी जी की फूफी जी के ननंद का भांजा आ रहा है, तो मुझे उन्हें स्टेशन लेने जाना है। क्यों, बावरी नहीं जा रही है स्टेशन? नहीं नहीं सेठ जी, बावरी जी भी लेने जाने वाली है। तो फिर? वो सेठ जी, बावरी जी कह रही थी उनकी फूफी जी के ननंद का भांजा आ रहा है, उसके पास बहुत सामान है, तो। अच्छा अच्छा अच्छा, तुझे कुली बना के लेके जा रही है? अरे भाई, शादी से पहले ये सब बेवड़ा वेड़ा मत कर, वरना शादी के बाद बहुत भारी पड़ जाएगा। बराबर है सेठ जी, लेकिन बावरी जी की फूफी के ननन का भांजा आ रहा है, वो भांजा तो है लेकिन साथ में सीनियर सिटीजन भी है, इसीलिए मदद करने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, लेकिन उनको बोलना कि अगली बार अपनी उम्र का लिहाज करे, इतना ज्यादा सामान लेके ना घुमा करे। ठीक है सेठ जी, तो आप कल दुकान टाइम पे आ जाएंगे ना? हाँ भाई। ओके ओके सेठ जी, गुड नाइट। हाँ ठीक है, चल। हाँ तो मैं क्या बात कर रहा था? जड़ालाल, हम ये बात कर रहे थे कि दया भाभी की वजह से तुम बच गए। अरे यार भाई, बचने का सवाल ही नहीं आता भाई, मैं फंसा ही नहीं था तो बचने का सवाल कहाँ से आता? हाँ अंजलि बोलो। आप सोडा शॉप से वापस कब आ रहे हैं? क्या हुआ भाई, कोई जरूरी काम है क्या? हाँ। क्या? आपसे बात करनी थी, उससे ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है तारक? अरे तुम भी ना अंजलि, आता हूँ थोड़ी देर में, फिर बातें करते हैं, ठीक है ना? सॉरी सॉरी, अंजलि का फोन आ गया। हाँ, कहाँ थे, क्या बात कर रहे थे? मैं दादा, हम ये बात कर रहे थे कि जेठालाल को दया भाभी ने बचा लिया। अरे इनकी तो पिन अभी तक वहीं अटकी हुई है। अरे भिड़े, जरा पाठी मांगून देख, ठचका पिन हलाओ जरा। अरे एक मिनट, मेरा भी फोन आ गया। हेलो, कौन? लड्डू कहाँ है? अरे लड्डू तो घर पे है, आज ही लेके आया हूँ। मोती चूर के लड्डू, बेसन के लड्डू, लड्डू मुझे बहुत पसंद है। क्या आपके बेटे का नाम लड्डू है? अरे भाई, बहुत बढ़िया नाम रखा है आपने अपने बेटे का। हाँ हाँ बताइए, उसको तकलीफ क्या है? क्या? अरे भाई तो साफ साफ बोलिए ना, यहाँ कोई लड्डू नहीं आया है। सॉरी, रॉन्ग नंबर। ओ, हम आपस में बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ओ, पहले पिड़ू का फोन बजा, उसके बाद चेठापरा का फोन बजा, फिर मेहता साहब का फोन बजा, और अभी हाथी भाई का फोन बजा। अभी आगे किसकी घंटी बजने वाली है? बड़ा काम मुत्तु स्वामी, நீங்க இப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், நல்லா இருக்கேன். மும்பை में वही अपना ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। नहीं, आजकल मुंबई में बहुत हीट है ना, तो H2O के गिरने का वेट कर रहे हैं। मुद्दत स्वामी, आई एम विद माय फ्रेंड, तो मैं तुमसे बाद में बात करूं? अरे पूछ क्या रहे हो, फोन रखो। ओके ओके, पॉइंट वर इन, पॉइंट वर इन। ओके, हाथ तो हो गई यारा, वो सब लोग फोन पे ही बात किए जा रहे हैं, वो कब से आपस में हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ना जी ना, सबको फोन की घंटियां बज के फोन पे ही बात करना, वो इसी करके हम लोगों की आपस में बात ही नहीं हो पा रही है यार।
ओ यारो मैंने दसो हम लोग यहाँ अब्दुल की शॉप पे क्यों आते हैं? वो यहाँ पे आके अपने दिन भर की सारी थकावट दूर करें, आपस में एक दूसरे की बातें शेयर करें, रिलैक्स करें, अपनी दोस्ती को और भी ज्यादा बढ़ाएं। पर यहाँ तो हम लोग फोन पे लगे हुए हैं, तो मतलब क्या अब्दुल की सोडा शॉप पे आने का? यारो एक काम करो, सब अपने फोन दो, थोड़ा शॉप से जब वापस जाएंगे तो सबके फोन वापस मिल जाएंगे। लाओ लाओ जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, दौड़ के लाओ, नहीं लाओ बहुत देर हो गया, लाओ देर अपना। और की भाई अब्दुल ये सारे फोन स्विच ऑफ करके रख दे। हां बार बार फोन आ रहे हैं, कोई डिस्टर्ब चाहिए ही नहीं भैया, अब कोई फोन की कंडी नहीं बजेगी। मेरा फोन भी स्विच ऑफ करके रख दे अब तो। अरे भाई बात तो कर ले, बाद में स्विच ऑफ कर देना भाई, हो सकता है कोई जरूरी फोन हो। जेठा ब्रा तू सी कह रहे हो इसके लिए फोन चाक रहे हैं? ओह थैंक यू दोस्त। हाँ तुम्हें ऑब्लाइज किया। क्या क्या किया तो बोले कि गलती हो गई भाई। हाँ और बराबर आओ ये गुल्लू। ओ यार तू कमाल करता है, तेरे को दिखता नहीं है मैं अपने यारों के साथ बैठा हूँ? दिखता नहीं दस की जरूरी गल है। ओ यारा गड्डी अर्जेंट कल ही पहुंचानी है तो रिपेयर करनी शुरू कर दे, अभी फोन ना करना क्योंकि मैं फोन स्विच ऑफ कर रहा हूँ। ओके सत श्री अकाल अब्दुल। ला मेरा फोन भी मैंने स्विच ऑफ कर दिया यारो, अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अरे क्या कर रहे सुड़ी, घर जाके ऑन कर लेना ठीक है। थैंक यू। मतलब ये है कि दया भाभी ने विश्वास दिखाया तो रत्नावाली को भी मुंह की खानी पड़ी। हाँ ये बात बराबर। वैसे आज एक बात फिर से साबित हो गई दोस्तों कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना वो भरोसे की नाजुक डोर पे टिका हुआ होता है, बहुत संभाल के जतन करना पड़ता है उसका। बिल्कुल, और ऐसी परिस्थितियों के लिए रहीम जी ने कहा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो तिटका है, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जा। क्या बात है माता साहब, क्या इसका मतलब? क्या मतलब ये है कि प्रेम जो होता है ना वो बिल्कुल धागे की तरह होता है, जिस तरह धागा एक बार टूट जाए तो टूटने के बाद जब आप जोड़ेंगे तो एक गांठ लगा के जोड़ तो सकते हैं, जुड़ तो जाएगा लेकिन गांठ हमेशा के लिए रह जाएगी। ठीक वैसे ही रिश्ता एक बार टूट गया तो जुड़ने पे गांठ रह जाती। ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही है। और मुझे लगता है रहीम जी ने जब ये दुआ कहा होगा तो उनके मन में पति पत्नी के बीच की प्रेम का रिश्ता भी जरूर रहा होगा। अरे बिल्कुल मैं दादा, पत्नियों का मामला बहुत डेलिकेट होता है, हर चीज बहुत संभाल कर करना पड़ता है। बिल्कुल बहुत नाजुक होता है, इसलिए सुखी वैवाहिक जीवन का एकमात्र सूत्र है कि पत्नी को सदैव खुश रखो। अगर पत्नी को खुश रखोगे तो जीवन का बेड़ा पार, वरना जीना दुश्वार। दुश्वार। लेकिन जेठालाल आज तुम्हारे चक्कर में हम सबको टेंशन में डाल दिया था भाई। मेरी वजह से? हाँ फिर मैंने क्या किया? क्यों वो आकर्षण वाली बात भूल गए? हाँ याद करो जेठालाल, तुमने क्या कहा था, हम सभी के मन में, पुरुषों के मन में सुंदर स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, सुंदर स्त्री को देखने का मन करता है। सही बात है मेहता साहब, जेठा भाई आपकी इस बात की वजह से हम सब फंस गए। एक मिनट दोस्तों, इसमें मैंने गलत क्या बोला? गलत नहीं बोला आपने जेठा भाई, लेकिन बोलना नहीं चाहिए था। हाँ और बोला भी किसके सामने, हमारे बीवियों के सामने। फिर अब देखना अंजलि क्या करती है, अब जब भी मैं टीवी में माधुरी दीक्षित की कोई फिल्म देख रहा हूँ तो अंजलि मुझे देख रही होगी कि मैं कैसे देख रहा हूँ। जेठालाल ऐसी बातें बहुत संवेदनशील होती है। अरे सिर्फ संवेदनशील ही नहीं होती, ज्वलनशील होती है। पता है अंजलि ने आज क्या किया? तारक आपके तो बहुत सारे फैंस हैं। हाँ तो उसमें बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां भी आपकी फैन होगी। अभी मैं उनसे मिला थोड़ी हूँ, मैंने देखा थोड़ी है। तो कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि उनमें से किसी के प्रति आप कभी आकर्षित हुए? अंजलि अभी अभी वो जेठालाल के रत्न का कांड खत्म हुआ, तुम फिर से आकर्षण लेके बैठ गई। वही तो तारक, जेठा भाई ने खुद कहा था कि हर पुरुष को किसी न किसी स्त्री के प्रति तो आकर्षण होता है, तो आपको भी? अरे नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। तो माधुरी दीक्षित? अरे भाई वो फिल्मों की बात है अंजलि, जस्ट एन एक्ट्रेस, जो अट्रैक्शन होता है वो है बस, दैट्स ऑल। बोलो
अंजलि बाबी ने तो मास्टर मारा। जेठालाल हंसते की बात नहीं है भाई, मेरे घर पे भी सेम रामायण हुई है। वो जेठा भाई कह रहे थे ना कि हर पुरुष को खूबसूरत महिला के प्रति आकर्षण होता ही है, तो आप भी पुरुष ही है ना? मतलब कैसा है कि माधवी, यहाँ वहाँ की बात करने के बजाय सीधा मुद्दे पे आओ। आपको किसके प्रति आकर्षण है? ठीक है, अभी बात निकली है तो फिर मैं आज कबूल कर ही देता हूँ। क्या? यही के मेरे मन में किसी के लिए भी कोई आकर्षण नहीं है। ओके, आप नहीं बताएंगे तो वैसे भी मुझे तो पता चल ही जाएगा। पत्नियां बहुत तेज होती है भाई, उनसे कोई बात छुपी नहीं रह सकती। बिल्कुल सही बात है, कोमल ने भी मुझसे कुछ ऐसे ही सवाल करने की कोशिश की थी। हंस एक बात बताओ। पूछो। तुम्हें कभी किसी से आकर्षण नहीं हुआ? क्या बेतु की बातें कर रही हो कोमल, कल झूठ बोल के लॉकेट पहना दिया और अब इस तरह के सवाल करने चालू कर दिए। मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। हाथी भाई, ये आपने बहुत बढ़िया किया कि बात ही नहीं की। मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए था, इस डिस्कशन में पढ़ना ही नहीं चाहिए था, बात खत्म कर देनी चाहिए थी। ओ यारो, ऐ गल तो मेरे घर विच भी आई थी। अच्छा, तुम्हारे घर पर क्या हुआ था? रोशन डार्लिंग ने भी डरते डरते पूछने की कोशिश की। तेरा कोई फटाकरी के प्रति अट्रैक्शन हो तो मुझे पिल्ले से बता देना। सोनिया, आज मैं तेरे सामने कन्फेस कर ही लेता हूँ, मेरा ना एक छोकरी पटाखरी के साथ ना बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन है, आकर्षण है। आज तू बोले छे रोशन, हाँ क्या लूटे गए छे तू? वो कड़ाई कौन कौन है वो? सॉरी वो ओए तोड़ी मेरी तोड़ी जा रही, तू कर जा रही, तमन्ना जा रही, बाहर जा रही, गुलजार माय लव। वाह वाह छोटी, तेरा ये बहुत बढ़िया है, कुछ भी टेंशन और डरने का नहीं, सीधा उठा के घुमा देने का। टेंशन खत्म। सही बात है मेहता साहब। हाँ। आपको भी अंजलि बाबी के साथ ऐसा ही करना चाहिए। जेठालाल, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता यार, बात पर मुश्किल घुमा सकता हूँ, उठा के घुमाना भाई। अय्यर, तुम बहुत हंस रहे हो, मतलब तुम्हारे घर पे ऐसा कुछ हुआ नहीं लगता? हाँ, अरे हुआ ना आत्माराम। अरे बबीता ने भी मेरे को ऐसे ही क्वेश्चन किया। जेठा जी ने वो जो अट्रैक्शन वाली बात कही थी ना, वो है तो बिल्कुल सही। आई मीन तुम्हें भी किसी न किसी से तो अट्रैक्शन होगा ही ना। हाँ, तुमने आज तक मुझे कभी बताया नहीं किससे। अरे किससे क्या, तुमसे। मैंने भी बबीता को अपना दिल का बात बता दिया और बच गया। लेकिन जेठालाल, तुमने ये आकर्षण का बात नहीं निकाला होता ना, तो ये तब सवाल ही नहीं उठता। हाँ ये तो है जेठा, देखो ऐसी बातें बिल्कुल चिंगारी की तरह होती है, सुखी वैवाहिक जीवन में कब आग लगाते पता ही नहीं चलता। नहीं, मैं समझ सकता हूँ मेहता साहब, लेकिन मैं मरता क्या ना करता। वो रत्नावली बेबुनियाद आक्षेपों की फायरिंग करी थी मुझ पर, तो मैंने जो कुछ बोला अपने बचाव के लिए बोला भाई। नहीं बरोबर है, लेकिन दया बाबी ने कुछ पूछा नहीं तुमसे? अरे मंजा का है, पूछा ना, मतलब उसने शुरुआत ही की थी कि मैंने उसकी बात काट के सामने सीधा पूछा, तू पहले मुझे ये बता कि रत्न वाला लॉकेट मुझे पहना के मेरी परीक्षा तूने ली क्यों? फिर क्या हो, बौखला गई और बौखलाहट में ये आकर्षण वाली बात बाजू पे रह गई। बच गए वासला। और तुझे बहुत सही कहता जेडबरा। अरे जेडलाल, तुम्हारे मन में किसी लेडी का आकर्षण जरूर है, इसलिए तुमने वो बात निकाला नहीं? आज तो कौन है बता तू? हाँ नहीं 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 बता सकता। क्यों? क्या पता आपको अच्छा लगे ना लगे। अरे को बुरा क्यों लगेगा? और यारों से क्या छुपाना। सही बात है जेठा भाई, बता दीजिए, हम सबको जानना है। क्यों भिड़े मास्टर? हाँ बिल्कुल बताओ बताओ। अरे यार, आप सब तो लेडीज हो गए, घर पे भी सब लेडीज लोग ये आकर्षण वाली बात जानने की जिद कर रहे हैं, और आप भी अभी लेडीज की तरह जिद कर रहे हैं। यार थोड़ा भी दोस्तों से क्या छुपाना। तो मयूर भाई, आपने सबसे पहले पूछा था ना। हाँ। तो सुनिए, मुझे जिसका आकर्षण है वो है कौन? पादुकोण। दीपिका पादुकोण।
सुकून। अरे उधर भी मैंने बोला था भाई, आप तभी सो रहे थे क्या? और वैसे भी क्यों जानना है भाई, ये डिस्कशन का मुद्दा ही नहीं है। जेठालाल क्या, दुनिया में हर पुरुष के लिए परम सत्य है कि सुंदर नारी के प्रति थोड़ा बहुत आकर्षण होता ही है। दो घड़ी के लिए हाँ, देखने की इच्छा करती है। वो ऐसी गल नहीं है मेहता साहब। क्यों? ओ मेहता साहब, ओ सबको को सुंदर लड़की अच्छी लगे ये तो सही है। हाँ वही तो कहा मैंने। हाँ? पर अपने फूफू को सुंदर हो या ना हो, सारी लड़कियां अच्छी लगती है। ये भी बात सही है। वैसे हमारे वरिष्ठ युवा पत्रकार है कहाँ? होगा नारी की तलाश में। सही बात है। लगता है बहुत बिजी है, मतलब कल भी नहीं आया सोडा शॉप पे, आज भी नहीं आया। अरे हाँ, सुबह हम लोगों को भिगो के चकमा दे के पास गया। आपको भिगा के नहीं गया, मुझे भिगा के चला गया। अरे अप्रैल के महीने में जुलाई की बारिश याद दिला दी। अरे अब्दुल जरा फोन तो लगा, पोपटलाल का तेरा ही फोन चालू है, लगा लगा। आप बता तो कर कहाँ है भाई। और फोन स्पीकर पर रखना। हाँ अभी लगा। ना ना फोन। हाँ बोल अब्दुल। अरे अब्दुल ने जेठालाल बोल रहा हूँ, पोपटलाल। और मैं अकेला नहीं, पूरी मंडली है, छोटा सब पे बैठी है, सब तुझे याद कर रहे हैं। अरे वाह, कैसे हो दोस्तों? आए पापो, ओ कैसे हो को छाटे? ऐ दल तू कितने है भाई? तो मेरे तो चकमा देके फंस गया थी, वो इसलिए छुप रहा है, आ नहीं रहा। अरे भाई दोस्तों से कैसा छुपना? अरे हाँ छुप नहीं रहे हो तो ये तो बताओ कि हो कहाँ? अरे मैंने बताया था ना, आजकल तूफान एक्सप्रेस में बहुत काम रहता है, अभी ऑफिस में ही हूँ। अरे पप्पू ऐसा कैसा काम कि हम यारों को ही भूल गया? यही तेरी दोस्ती, यही तेरा प्यार। अरे भाई मेरा एतबार ना करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी को नहीं भूला हूँ, मुझे सब पता है मेरी गैर हाजिरी में कौन क्या कर रहा है। ओहो गैर हाजिरी में भी जासूसी? बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई मैं पत्रकार हूँ, सब खबर रखता हूँ। और गोकुलधाम तो मेरा घर है, वहाँ का पत्ता भी हिले तो मुझे पता चल जाता है। वाह वाह बबरलाल क्या बात है। अच्छा दोस्तों, जेठालाल का रत्न काला हुआ तब तो उसका मुंह देखने लायक होगा। आप लोगों में से किसी ने उसकी फोटो ली थी कि नहीं? अरे नहीं पोपटलाल, किसी ने फोटो नहीं खींची। लेकिन मेरा मुंह कैसा हो गया था मैं बताऊं? हाँ हाँ बताओ बताओ। कोई लड़की तुम्हारे मुंह पे शादी के लिए ना बोलती है तो तुम्हारा मुंह कैसा हो जाता है? ठीक वैसे ही मेरा मुंह हो गया था। जेठालाल इसमें मेरी शादी की बात बीच में मत लाओ। अच्छा तुम वो मेरे रतन को बीच में ला सकते हो तो मैं तुम्हारी शादी को बीच में नहीं ला सकता, ये अच्छा है। जेठालाल अरे छोड़ो ना भाई पोपटलाल, जेठालाल तुम भी छोड़ो ना, हमने फोन को झगड़ा करने के लिए थोड़े किया पोपटलाल, तुम नहीं थे तो पूछ रहे थे कहाँ हो। अच्छा अभी एक बात बताओ, अभी अगर जल्दी आ रहे हो तुम तो हम यही रुकते इंतजार करते हैं तुम्हारा। नहीं 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 भाई मुझे वक्त लगेगा, आप लोग मेरा इंतजार मत कीजिएगा। हाँ वैसे पोपटलाल अगले हफ्ते का पूरा सोडा तुम्हारी तरफ से। हाँ क्यों भाई, किस खुशी में? अरे क्यों क्या, दो दिन अब्सेंट ही हुई तुम्हारी तो पनिशमेंट तो बनती है ना। चलो भाई बहुत हो गया मजा का, मुझे काम करना तो वरना पूरी रात यहीं रुकना पड़ेगा। ओके ओके चलो चलो। पोपटलाल तो बहुत काम कर रहा है। कह तो रहा है। ओए सोडी, ओए की हालत तेरे यार? अरे शेरी, ओए यार तू, अरे वाह 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 मेरे यार दिल दे। दोस्तों जीवन में सामान्य से दिखने वाली घटना कब विकट रूप धारण कर ले पता नहीं चलता। जैसे कि आप रस्सी समझ के किसी चीज को पकड़ने जाए और वो सांप निकले, आप जमीन समझ के पांव रख दो और खड्डा निकले, जिससे कॉलेज में हाथापाई हो जाए, बाद में पता चले वो गर्लफ्रेंड का भाई निकले। जीवन में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और ये बात हम गोकुलधाम वालों के लिए तो शत प्रतिशत लागू होती है। आ बैल मुझे मार, हमारी जिंदगी में हमेशा ही होता है। अभी होने वाला है, ये जो सोढ़ी का दोस्त है शहरी, उसका छोटा सा काम हम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत लेके आने वाला है। अब क्या होगी मुसीबत, कैसे हम मुसीबत में फंसेंगे ये तो आपको पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है मुसीबत चाहे जैसी हो आप पेट पकड़ कर हंसेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.